गाइस वेलकम बैक टू जीएस। आज मैं आपके लिए काफी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, तो आप वीडियो पूरी देखना एंड तक, आपको जरूर समझ में आएगी। ओके चलते हैं। तो हम सिंपल सा स्क्रॉल करके हम जाएंगे एड फोटो के अंदर। ओके गाइस, एड फोटो पर हम आ चुके हैं और सिंपल सा हमें इस पोस्ट में फोटो क्लिक करवानी है और ये फोटो हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस वीडियो कटिंग की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और आप देख भी सकते हो। ओके, आप कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो। सिंपल से हम इसे कर देंगे डन। तो हम इस तरीके से ऐड कर देंगे और सिंपल से हम इसे कर देंगे डन। फिर से हमें जाना है एड फोटो के अंदर। ओके, हम एड फोटो के अंदर फिर से जा चुके हैं और ये देखिए गाइस एड फोटो के हम अंदर आ चुके हैं और सिंपल से हमें ये वाला पीएनजी ऐड करना है। ओके, ये देखिए गाइस ये वाला पीएनजी भी हम सिंपल सा ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसे हम ऐड कर देंगे और फिर देखिए गाइस इसे कुछ ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाना। पहले हम इसे जाएंगे ब्लेंड के अंदर और हमें इसको करना है स्क्रीन। तो गाइस स्क्रीन मोड पर हम कर देंगे तो देखिए गाइस काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हमारी फोटो में। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर लेना। फिर हम यहीं से ही एक और पीएनजी ऐड करेंगे। तो ऐड फोटो में हम यहीं से चल जाएंगे एक बार और फिर हम ये वाला एक और पीएनजी लाइटिंग वाला ले लेंगे। तो गाइस सिंपल से हम इसे भी कुछ इस तरीके से ऐड कर देंगे और वही प्रोसेस हमें फिर से करना है। ब्लेंड पे जाना है पहले देखिए गाइस हम सेट कर लेते हैं नीचे की ओर इसे लगाना है। फिर हम जाएंगे ब्लेंड के ऊपर और फिर हम जाएंगे स्क्रीन मोड पर। स्क्रीन पर हम आ चुके हैं, ये देखिए गाइस हमारा काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है। सिंपल से हम इसे कर देंगे डन और हमें फिर से जाना है एड फोटो के अंदर। तो गाइस देखिए मैं चलता हूँ एड फोटो के अंदर और ये देखिए गाइस मैं एड फोटो के अंदर आ चुका हूँ और हमें ये वाला पीएनजी ऐड करना है कैमरे वाला। ओके गाइस, जो हमने कैमरे वाला बनाया है उसको ऐड करना है। सिंपल से हम इसको कर देंगे नीचे की ओर लगा देंगे और सिंपल से हम इसे कर देंगे डन। आप देख लेना अपने हिसाब से कैसी भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो और अपने साइज के अनुसार लगा सकते हो। सिंपल से मैंने इसे कुछ इस तरीके से लगा दिया है। सिंपल से मैं इसे कर दूंगा डन और जो लास्ट पीएनजी हमारी फोटो का जो हमारे कैमरे के अंदर लगानी है उसे हम जाएंगे एड फोटो के अंदर। और ये देखिए गाइस मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ जो ओल्ड फोटो है। ओके, बिफोर वाली पिक। ओके, मैंने सिंपल सा ये ले लिए हैं और इसे थोड़ी हमें कट कर लेनी। क्रॉप में जाएंगे हम और क्रॉप इसे कर लेंगे। कैमरे का थोड़ा सा साइज में रख लेना है, बस कैमरे में थोड़ी सी दिखनी चाहिए। सिंपल सा हम ये डन कर देंगे और हमें कुछ इस तरीके से कैमरे के ऊपर लगाना है। पहले हम पूरे बैकग्राउंड को जूम कर लेंगे ये देखिए गाइस और हम कैमरे के ऊपर कुछ इस तरीके से इसे लगा देंगे। तो गाइस थोड़ा सा साइज मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब सिंपल सा हम इसी फोटो को बॉर्डर पर ले जाएंगे। हम बॉर्डर पर जाएंगे, देखिए गाइस हम बॉर्डर पे आ चुके हैं और वाइट वाली को हमको पूरा माइनस कर देना है, हमें बस ब्लैक वाली को रखना है। ओके, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन को हमें ज़्यादा रखना है। ओके, सिंपल सा हम इसे कर देंगे डन। तो गाइस काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है। सिंपल सा हम इस फोटो को कर देंगे डन। तो देखिए गाइस फिर हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और 3D पर क्लिक करेंगे और सेव इमेज करके हम फोटो को सेव कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं आपके लिए ऐसी डेली वीडियो लाता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी फोटो एडिटिंग की वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचेगी। तो चलते हैं गाइस, कल फिर मिलेंगे। ओके गाइस, वीडियो आप पूरी देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही दीजिए।